ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2022 जैसे जैसे अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे प्लेऑफ की रेस अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आए दिन मुकाबले नहीं महामुकाबले खेले जा रहे हैं जो पॉइंट टेबल को पूरी तरह से उथल फुथल करके रख रहे हैं। जी हाँ, अब इन चार टीमों का प्लेऑफ में जाना तय हो चुका है। प्लेऑफ की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। तो वही हम आपको बताएंगे आखिर किन टीमों की मुश्किलें बढ़ चुकी है और किन टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस को लेकर दूसरे तीसरे और चौथे पायदान पर जमकर घमासान देखने को मिल रहा है और कौन सी चार टीमें जगह बनाएंगी, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं आईपीएल 2022 के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, आईपीएल 2022 की विनर टीम कौन सी रहेंगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो खैर, उन चार टीमों के बारे में जानने से पहले कि कौन सी टीम टॉप फोर में शामिल होंगी और उनका प्लेऑफ में जाना तय हो गया है, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि वो टीमें कौन सी हैं जो लगभग नहीं बल्कि पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। मुंबई और चेन्नई के बारे में आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, ये दोनों टीमें प्लेऑफ की रेस से कब की बाहर हो चुकी है, लेकिन अब सनराइजर हैदराबाद भी इस रेस से बाहर है। 12 में से 5 मुकाबले जीतकर 8वें पायदान पर सनराइजर हैदराबाद है, 10 पॉइंट इनके पास में है, बचे हैं 2 मुकाबले। ज्यादा से ज्यादा ये टीम 14 पॉइंट ही हासिल कर सकती है जो कि इस टीम के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम है। और ऐसा ही कुछ हाल पंजाब किंग्स का भी हो चुका है। दिल्ली कैपिटल से मिली हार के बाद ज्यादा से ज्यादा पंजाब किंग्स 14 पॉइंट हासिल कर सकती है, बचा हुआ एक मुकाबला अभी भी इन्हें खेलना है, लेकिन अब कहीं न कहीं इनका भी प्लेऑफ से बाहर होना तय हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर का हाल भी कुछ ऐसा ही बना, 13 में से 6 मुकाबले जीते जरूर है लेकिन बचा हुआ एक मुकाबला जीत कर भी 14 पॉइंट ही हासिल कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये 5 टीमें पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर है, अब इनका प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। बाकी 5 टीमों के बीच जबरदस्त होड़ मची हुई है जिसमें कौन सी टीमें जगह बनाएंगी और कौन सी बाहर है, आइए आपको बताते हैं। ऑफिशियल तरीके से गुजरात टाइटंस 13 में से 10 मुकाबले जीत कर 20 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर इस आईपीएल को खत्म कर रही है, लीग स्टेज के मुकाबले को। लेकिन अगर आप बात करें दूसरी टीम के बारे में तो राजस्थान रॉयल का नाम इसमें सबसे पहले आता है और ये टीम दूसरे पायदान पर भी है, 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं। टीम की नेट रन रेट +0.304 है, यानी कि 16 पॉइंट के साथ में ये टीम अच्छी खासी नेट रन रेट होने की वजह से प्लेऑफ में जगह बना लेती है। बचा हुआ एक मुकाबला जीत जाए तो 100% क्वालिफिकेशन की रेस में होंगी, लेकिन अगर हार भी जाती है तो नेट रन रेट काफी अच्छी है जिसके लिए 16 पॉइंट के साथ में ये टीम क्वालिफाई कर जाएंगी। यानी कि अब राजस्थान रॉयल का प्लेऑफ में जाना तय है। तीसरे पायदान पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स का नाम आता है जो 13 में से 8 मुकाबले जीती है। अब लखनऊ सुपर जॉइंट्स का भी प्लेऑफ में जगह बनाना तय है क्योंकि इस टीम की नेट रन रेट भी काफी अच्छी है। बचा एक मुकाबला अगर जीत जाती है तो 100% क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर हार भी जाती है तो नेट रन रेट अच्छी होने की वजह से ये टीम जगह बना लेंगी। लेकिन अब चौथे पायदान को लेकर दो टीमों के बीच जबरदस्त होड़ मची हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इसकी प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल ने पंजाब किंग्स को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मुश्किलें बढ़ा दी है क्योंकि दिल्ली की नेट रन रेट काफी अच्छी है और इसीलिए वो चौथे पायदान पर है। 14 पॉइंट होने के बावजूद भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास भी 14 पॉइंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 5वें पायदान पर अपनी नेट रन रेट की वजह से है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बचा हुआ एक मुकाबला जीतना तो जरूरी है ही, लेकिन वो 16 पॉइंट के साथ में भी बाहर हो सकती है तब जब दिल्ली कैपिटल ने अपना आखिरी मुकाबला जीत लिया तो वो क्वालिफाई कर जाएंगी और आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगी। यानी कि ये वो चार टीमें थी, दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जॉइंट्स, राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस, जो प्लेऑफ में जगह बनाती दिख रही है। लेकिन अगर आरसीबी मुकाबला आखिरी जीतती है और दिल्ली हारती है तो आरसीबी का नाम शामिल हो जाएगा और दिल्ली बाहर हो जाएंगी। इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।